सो फ्रेंड्स, ये जो 9 वीक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है, ये ज़्यादातर महिलाओं की पहली सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होती है उनकी प्रेगनेंसी की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होती है जो कि हर प्रेग्नेंट लेडीज को करानी चाहिए। और इसके थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपकी बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं, और वो कितनी आई है। साथ ही साथ ये भी आपको पता चलता है कि आपका गर्भ कहाँ ठहरा है, मतलब यूटेरस के अंदर ठहरा है या फिर यूटेरस के बाहर। कई बार वो फॉलोपियन ट्यूब में भी ठहर जाता है गर्भ, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है और मिसकैरेज भी हो सकता है। सो आपको ये सारी बातें आपको 9 वीक अल्ट्रासाउंड में पता चलती है। ये ज़्यादातर महिलाओं की पहली अल्ट्रासाउंड होती है। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल्स होती है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है इस अल्ट्रासाउंड थ्रू, तो वो कौन कौन सी है मैं आज इस वीडियो थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। मेरा दावा है कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगेगा, खास करके अब आप फर्स्ट सेमेस्टर हो और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो और डॉक्टर के पास जाकर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती हो और जानना चाहती हो कि आपके अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, या फिर आप करवा भी चुकी हो पर आपको ये पता नहीं है कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, सो आप आज इस वीडियो द्वारा वो सब कुछ जान जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो थे मेरी 9 वीक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, और मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो सब टर्म्स क्लियर करूं। सो फ्रेंड, पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि LMP, ठीक है, जो आपकी LMP है वहाँ वो दी गई है। फिर जेस्टेनल एज, मतलब बेबी का कौन सा महीना शुरू, कौन सा महीना या फिर वीक शुरू है उस वो दिया जाता है, तो 9 वीक्स की है तो 9 वीक यहाँ पर लिखा है। EDT मतलब इस्टिमेट ड्यू डेट, मेरी 29 अगस्त 2020 की थी, ठीक है। और एक ड्यू डेट जाती है दूसरा 27, ऐसे दो ड्यू डेट है, एक आपके LMP अनुसार और एक अल्ट्रासाउंड के अनुसार। फिर नीचे आप देख सकते हैं यूटेरस इज बल्कि, ठीक है। हाँ, अब आप प्रेग्नेंट हो तो आपका गर्भ ठहरा है, ठीक है, मतलब फिटस है आपके यूटेरस में, तो ऑब्वियसली वो बल्कि ही देखेगा। उसके बाद आप देख सकते हो अ सिंगल रेगुलर जेस्टेरल सैक इज नोटेड इन यूटेरिन कैविटी, ठीक है। साथ ही साथ अब आपके यूटेरस में ट्विंस है या फिर सिंगल बेबी है, फिटस है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद योक सैक इज सीन, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल पीरियड है 9 वीक का, तो यहाँ पर प्लासेंटा पूरी तरह डेवलप नहीं होता, पर आपकी एक योक सैक होती है जिससे बेबी को अटैचेड उसको सप्लाई किया जाता है जो भी न्यूट्रिशन है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस अल्ट्रासाउंड में। बाद में आती है फीटल कार्डियक पल्सेशन, मतलब बेबी की हार्ट बीट कितनी है। सो फ्रेंड्स, इनिशियल पीरियड में बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे 6 वीक्स के होते हो तो काफ़ी कम होते, पर जब 9 वीक आते आते बेबी का हार्ट डेवलप हो जाता है और वो अच्छे से धड़कने लगता है, और ज़्यादातर वो ज़्यादा ही आएगी। और आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की जो हार्ट बीट है, फीटल हार्ट रेट, वो कम ज़्यादा हो सकती है, 120 BPM से लेकर 180 BPM तक के बीच में आनी चाहिए, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ा वो रिस्की हो सकता है, बट आपकी 120 या 180 के बीच में आती है तो ये गुड माना जाता है। उसके बाद है फीटल मूवमेंट, ठीक है, फीटल मूवमेंट यानी बेबी की जो हलचल है, मैं यहाँ पर बेबी यूज़ कर रही हूँ पर अभी भी वो फीटस ही होता है, पर यहाँ पर प्रेजेंट दी गई है, मतलब बेबी की मूवमेंट हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हो देर इज अ गुड रेसिडुअल रिएक्शन। उसके बाद नो एविडेंस ऑफ सबक्रोमिक हेमरेज, ठीक है, मतलब कई बार आपके यूटेरस में ब्लीडिंग भी होती है इनिशियल टाइम में, वो यहाँ पर अगर दिखाई दे तो शायद वहां पर लिखा होगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे तो नो एविडेंस दिखाई दे रहे, ठीक है। उसके बाद देर इज नो एब्यूस एडिशनल मास नोटेड, ठीक है, कई बार होता है कि यूटेरस या फिर आपके फॉलोपियन ट्यूब में सिस्ट दिखाई देती है, एक्स्ट्रा लम्प्स दिखाई देते हैं, तो इस मामले में थोड़ा आपकी प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती है, तो मिसकैरेज की ज़्यादा संभावना हो सकती है। सो यहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट है वहाँ पर देर इज नो एब्यूस एडिशनल मास नोटिस, एडिशनल मास नोटिस मतलब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
उसके बाद है सर्विकल लेंथ, ठीक है 3.3 इनिशियल में 3.3 सर्विकल लेंथ है, जो कि आप यूटेरस के जो एंड पार्ट होता है नीचे का उसकी वो लेंथ होती है, और वो 3 सेंटीमीटर से कम नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे अगर 3 सेंटीमीटर नीचे आता है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और उसके बाद इंटरनल ओएस इज क्लोज, ठीक है। प्रेगनेंसी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो इंटरनल ओएस होता है सर्विक्स का जो अपर पार्ट होता है, मतलब आपके जो यूटरस का सबसे नीचे, बट सर्विक्स का दो पार्ट्स होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। सो जो इंटरनल ओएस होता है वो क्लोज ही होना चाहिए, और ये कब ओपन होता है, जब आपकी डिलीवरी होने का टाइम होता है तो वो आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, तो तभी ये खुलता है। पर आपके पूरे प्रेगनेंसी द्वारा ये क्लोज ही चाहिए। अगर ये आपके ड्यू डेट के पहले खुलता है तो हो सकता है कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए। सो ये बहुत जरूरी है कि इंटरनल ओएस क्लोज ही रहे। उसके बाद सीआर लेंथ, ठीक है, सीआर लेंथ दिया गया है। यहाँ पर बेबी का वेट नहीं दिया जाता, उसका इनिशियल फर्स्ट ट्रिमेस्टर, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, तो उसको क्राउन रम्प लेंथ की यानी उसके सर से लेकर दुम तक की लंबाई से ही मापा जाता है। सो वो भी आपको यहाँ कितनी होती है वो देखने को मिलेगा। सो फाइनल आप इम्प्रेशन देख सकते हो, देर इज अ सिंगल लाई इंटरन डिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपका आपके ट्विंस है तो ट्विंस लिखाई देगा, और अगर सिंगल है तो सिंगल। तो यहाँ पर मेरा बेबी सिंगल था तो सिंगल है, लाइव है इंटर यूटेरियन, ठीक है। इंटर यूटेरियन मतलब यूटरस के अंदर है, यूटरस के बाहर नहीं है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो गर्भ है वो यूटरस के अंदर हो, यूटरस के बाहर ना हो। तो ये सारी बातें आपको पता चलती है। उसके बाद आपको एक एडवाइस दी जाएगी कि इसके बाद एंटी स्कैन कराना है, ठीक है। जब एंटी स्कैन ये होती है 12 वीक में, तो उसके बाद मैंने एंटी स्कैन भी कराई, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे एंटी स्कैन पर। सो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या एंड स्क्रीन में दे दूंगी। और फॉलो फॉर एनोमली स्कैन, ठीक है। उसके बाद एनोमली स्कैन को भी रिकमेंड किया है, जो कि आपकी 20 वीक में की जाती है। मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, एनोमली स्कैन पे कैसे रीड करना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या टर्म्स होती है, कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन मैंने उस वहाँ पर वीडियो पर शेयर किए। ये भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको 9 वीक अल्ट्रासाउंड में पता चलती है। और एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप ये अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने चाहे तो अपना ब्लैडर फुल लगे, इसके लिए आप अपने मतलब बहुत सारा पानी पी के जाए, 2 घंटे पहले से ही पीकर रहे जाने से पहले, ताकि जो भी रीडिंग आए वो एक्यूरेट आए, अच्छे से देखे जो भी इमेजेस आए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। सो फ्रेंड, ये तो थी 9 वीक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। आई होप आपको इस रिपोर्ट थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी और यूजफुल भी लगी होगी। अगर